चलिए आज बनाते हैं लौकी का ठंडा ठंडा रायता, एकदम अलग तरीके से, बनाने में बहुत आसान और खाने में एकदम लाजवाब। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, इसके लिए हमने एक लौकी लिया है, तो इसमें से हम आधा का यूज करेंगे, आधा काट के रख देंगे। तो देखिए, हम इसको जोख लेंगे कितना वेट है इसका। तो ये लगभग 400 ग्राम हमारा लौकी है। तो चलिए अब हम इसको छीलेंगे। तो इसका बढ़िया से छिलका उतार लेंगे। और रायता बनाने के लिए अगर आपको नरम लौकी मिलती है तो बहुत अच्छा है, उसका बहुत बढ़िया रायता बनता है। तो हो सके तो नरम ही लौकी ले। तो चलिए इसको हम धो लेंगे और छिलका को भी हटा देंगे। तो देखिए, हमने लौकी को अच्छे से धो लिया है। अब हमें इसको कद्दूकस करना है। मोटे वाले से हम कद्दूकस करेंगे। देखिए, ऐसा हमको चाहिए। तो ऐसा लंबा लंबा अच्छा लगता है। अगर आप चाहें तो छोटा छोटा क्यूब में भी काट के बॉईल कर सकते हैं और उसको उसके बाद थोड़ा सा कलछी से मसल दे और उसके बाद आपको जैसे रायता बनता है वैसे बना देना है। तो देखिए, सारा हम इसको कद्दूकस कर लेंगे और बीच वाला पार्ट हमने नहीं किया है तो इसको हटा देंगे। तो देखिए, हमने सारा लौकी को कद्दूकस कर लिया है। अब चलिए इसको फटाक से बॉईल कर लेते हैं, नहीं तो लौकी काली पड़ने लगती है देर तक रहती है। तो पानी को रखेंगे गैस पे। ये करीब आधा लीटर पानी है, इसमें हम तेज आंच करके जल्दी से बॉईल लाएंगे और बॉईल होने के बाद हम लौकी को डाल देंगे। तो ये देखिए, हल्का हल्का उबाल आने लगा है इसमें पानी में। तो ये सारा लौकी हम डाल देंगे और डालने के बाद इसको हम 8 से 10 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे पका लेंगे। लौकी के रायते का एक और हमने वीडियो डाला है जिसमें हमने लौकी को पकाया है, जैसे सब्जी बनता है ना घी जीरा मिर्ची डाल के, तो वैसे ही हमने पका के बनाया है। वो भी बहुत टेस्टी लगता है रायता, एक बार उसे जरूर चेक करें, आपको बहुत पसंद आएगा। तो देखिए, हमारी लौकी लगभग हो चुकी है, इसको हम काट के देख लेते हैं। तो देखिए, ये अच्छे से कट रहा है, 8-10 मिनट हो गए इसको बॉईल होते हुए। अब हम क्या करेंगे कि गैस को बंद कर देंगे और ये लौकी से पानी हम छान लेंगे, छन्नी से छान लेंगे ताकि सारा पानी निकल जाए। तो देखिए, लौकी को हमने छान लिया है। अब हम इसको ऐसे रहने देंगे, ठंडा होने देंगे अच्छे से, और ठंडा होने के बाद ही आपको रायता बनाना है, नहीं तो गर्म लौकी में डालेंगे दही तो आपका दही फट जाएगा, रायता अच्छा नहीं बनेगा। तो देखिए, ये लौकी ठंडा हो चुका है। अब हम इसको एक बॉल में निकालेंगे और दही को हम तैयार कर लेते हैं। तो चलिए, एक बर्तन लेंगे और इसमें हम 1.5 कप दही डालेंगे, ये 1 कप और फिर 1/2 कप 1.5 कप दही है। तो रायता बनाने के लिए ज्यादा खट्टा दही का यूज ना करें, नहीं तो रायता ज्यादा खट्टा बनता है। थोड़ा सा खट्टा चलेगा पर ज्यादा ना ले। तो चलिए, इसको हम फेट लेंगे बढ़िया से, बहुत जल्दी फेट आ जाता है, एकदम स्मूथ कर लेंगे। 1 मिनट के लिए हम इसको फेट लेंगे। ये हमारा दही तैयार हो गया। अब हम ये फेटा हुआ दही लौकी में डाल देंगे और उसके बाद हम मसाले डालेंगे। तो सबसे पहले 1/2 चम्मच जीरा पाउडर भुना हुआ और 1 चम्मच चाट मसाला और 1/2 चम्मच हम डालेंगे शक्कर और उसके बाद हम 2 हरी मिर्च डालेंगे बारीक कटा हुआ। मिर्च आप अपने टेस्ट के अनुसार कम ज़्यादा कर सकते हैं। और ये 1.5 से 2 चम्मच हरा धनिया है बारीक कटा हुआ, ये भी डाल देंगे। थोड़ा सा हम बचा लेंगे गार्निशिंग के लिए। और उसके बाद हम लाल मिर्च पाउडर डालेंगे 2 से 3 पिंच के करीब और उसके बाद नमक डाल देंगे, सादा नमक 1/4 टीस्पून सादा नमक और 1/4 टीस्पून काला नमक डाल के इन सबको अच्छे से मिला देंगे, बढ़िया से मिक्स कर लेंगे। और उसके बाद आप चाहें तो ऐसे भी खा सकते हैं, लेकिन हम इसमें एक मजेदार तड़का लगाएंगे ताकि और अच्छा लगे। तो ये तड़का के लिए सामान है। तो चलिए, गैस पे हम पैन रखते हैं और इसमें हम डाल देंगे सरसों तेल, 1 से 1.5 चम्मच सरसों तेल। इसको हम 1-1.5 मिनट के लिए गर्म होने देंगे और गर्म होने के बाद हम इसमें डालेंगे 1/2 चम्मच राई यानी सरसों दाना, इसको चटकने देंगे। और उसके बाद हम 1/2 चम्मच जीरा डाल देंगे और ये 8-10 कड़ी पत्ता है, ये भी डाल देंगे। अब हम डालेंगे इसमें थोड़ा सा हींग, 1-2 पिंच के करीब हींग डाल देंगे। और उसके बाद हम ये 2 छोटे छोटे सूखे लाल मिर्च लिए हैं वो डाल देंगे तोड़ के। और ये गर्मा गर्म तड़का हम लौकी के रायते में डाल देंगे और डाल के मिला देंगे। तो लीजिए, ये हमारा बहुत ही टेस्टी मज़ेदार लौकी का रायता बनके तैयार है।
इसमें थोड़ा सा हम जो हमने हरा धनिया बचाया था ना वो डाल देंगे, ऊपर से गार्निशिंग कर देंगे। और ये हल्का सा चिली फ्लेक्स डालेंगे, इससे स्वाद भी बढ़ेगा और देखने में भी अच्छा लगता है। तो देखा आपने कितना आसान था लौकी का रायता बनाना, बिना कोई झंझट के बहुत जल्दी से बनके तैयार हो जाता है। इसे आप रोटी, पराठा, दाल चावल के साथ, जिसके साथ आपको पसंद है खाइए, बहुत टेस्टी लगता है। तो आप इसे जरूर ट्राई करें और हमें कमेंट में बताएं कि रेसिपी आपको कैसी लगी। अच्छा खाएं, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। और हाँ, प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें।